औरत को इज्जत वो मर्द दे सकता है जिसकी तबीयत अच्छी हुई हो, हया और वफा जिस औरत में हो इस औरत से बढ़कर कोई औरत खूबसूरत नहीं हो सकती, जमीर और तदबीर जिस मर्द के पास हो इससे बढ़कर कोई मर्द बेहतरीन नहीं हो सकता। दुनियादारी देखी जाए तो औरत की शादी ससुराल वालों से होती है, शरीयत देखी जाए औरत पर सबसे ज़्यादा हक इसके शोहर का होता है, मगर आज की औरत को शोहर से ज़्यादा ससुराल वालों को खुश रखना पड़ता है। बीवी इसलिए लड़ती है कि शोहर इस पर तवज्जो दे, और शोहर इसलिए तवज्जो नहीं देता कि बीवी लड़ती है। शोहर बीवी पर तवज्जो दे, इसके खर्च का, इसके ज़रूरियात का ख्याल रखे, तो बीवी क्यों इससे लड़े? बीवी कोई पागल है? शोहर के लिए बीवी से बढ़कर और बीवी के लिए शोहर से बढ़कर कोई दोस्त नहीं हो सकता। अगर आपस में मशवरा करके ज़िंदगी के फैसले मिलके किए जाएं, तो ज़िंदगी बहुत पुरसकून गुजरे। लोग कहते हैं कि ससुराल बुरा नहीं होता, वाकई ससुराल बुरा नहीं होता, पर वहाँ मौजूद लोगों के रवैये बुरे होते हैं। अगर रवैये अच्छे हों तो ससुराल औरत को कभी बुरा ना लगे। अल्लाह ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया कि वो मर्द पर हुकूमत करे, ना ही इसके पाँव से कि वो उसकी गुलामी करे, बल्कि इसकी पसली से ताकि वो इसके दिल के करीब रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको भी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी मैं तहे दिल से मशगूल हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।